A very good morning. Today we will going to see the data warehousing, its advantages, its meaning. So what is the data warehousing? Data warehousing is a store where the data are electronically stored, guarded safely, which operations of collection of data, arranged the collected data, organized the data, protected securely, and make it available when it is needed. Data warehouse kya concept hai? The data warehouse is a store where the data are electronically stored, guarded safely. Jahan pe data store kiya jata hai, electronically store kiya jata hai, usko guard kiya jata hai very safely. Which operations of collection of data, जिसमें data collection होता है, arrangement होती है data की, organize किया जाता है data को और securely उसको protect किया जाता है, that is none other than the data warehouse. A data warehouse is a system that store the data from a company's operational database as well as external sources. Data warehouse की basic concept क्या है कि जहाँ पे एक data warehousing ऐसी system है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, कंपनी का डेटा स्टोर किया जाता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी डेटाबेस होता है वो स्टोर किया जाता है बड़ी संख्या में, लार्ज अमाउंट में. डेटा वेयरहाउसेस प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस बिकॉज दे स्टोर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मेकिंग इट इजियर फॉर बिजनेस लीडर्स टू एनालाइज डेटा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. Data warehouses platforms also sort data based on the different subject matter such as the computer products or business activity. बहुत सारे products होते हैं, business activities है, इस सब का जो data होता है वो database में store किया जाता है, जिससे it is making easier for business leaders to analyze the data over the specific period of time. कुछ डेफिनेशन है डेटा वेयरहाउसिंग की. डेटा वेयरहाउसिंग इज़ अ टेक्निक फॉर कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा फ्रॉम वराइड सोर्सेस टू प्रोवाइड मीनिंगफुल बिजनेस इन अ साइट. इट इज़ ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स विच अलाउज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डेटा. दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ बिजनेस विच इज़ डिजाइंड फॉर क्वेरी and analysis instead of the transaction processing. It is a process of transferring data into information and making it available to the user. इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है डेटा वेयरहाउस जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, जिस पर हम क्वेरी फायर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग उससे हम कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन. और डेटा वेयरहाउसिंग एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसमें हम डेटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं जो यूज़र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन वी कम टू कंक्लूजन दैट द डेटा वेयरहाउसिंग इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इससे क्या पता चलता है दोनों डेफिनेशन से कि जो डेटा वेयरहाउस है उसमें लार्ज अमाउंट में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज किया जाता है. एक, डेटा वेयरहाउसिंग इज़ अ वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस दैट एम्प्लॉय एनालिटिकल टेक्निक्स ऑन बिजनेस डेटा. और जो डेटा वेयरहाउसिंग होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल कंपोनेंट्स होता है बिजनेस का, जिसमें इंटेलिजेंस दैट एम्प्लॉयज एनालिटिकल टेक्निक्स ऑन बिजनेस डेटा, जिसमें बिजनेस डेटा से हम उसको एनालाइज करके बहुत डिसीजन मेकिंग पे आ सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं. इन अ डेटा वेयरहाउस डेटा फ्रॉम मेनी हेटेरोजीनियस सोर्सेस इज एक्सट्रैक्टेड इन अ सिंगल एरिया, ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स नीड्स एंड स्टोर्ड इन टू द वेयरहाउस. वेयरहाउस में क्या होता है कि बहुत से सोर्सेस से जो डेटा आता है उसको फ्रॉम मेनी हेटेरोजीनियस सोर्सेस इज एक्सट्रैक्टेड, उस सभी सोर्सेज से जो सिंगल सोर्सेज है उससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको अकॉर्डिंग टू द डिसीजन सपोर्ट उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा.
For example, a company stored information pertaining to its employees, their salaries, developed products, customer information, sales and invoices. The CEO might want to ask a question pertaining to the latest cost reduction measures. Definitely. क्या होता है कि एक आधी कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी सैलरीज, जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, सेल्स एंड इनवॉइस, इसकी पूरी माहिती जो है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, वेयर हाउस में रखी जाएंगी. तो व्हेन द सीईओ इज नीड, जब सीईओ को लगेगा कि अभी हमें क्रॉस चेक करना है, माइट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द लेटेस्ट कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स. तो कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है कि हमने क्या क्या मेजर्स यूज़ किए हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, हमने क्या ऐड की है, या फिर रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. कहाँ से उसको ये सब पता चलेगा? उसको पता चलेगा डेटा वेयरहाउसेस से. द कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 बाय IBM. 1980 में IBM ने डेटा वेयरहाउसिंग की जो कंसेप्ट है वो डेवलप की है, उसको इंट्रोड्यूस किया है. रिसर्चर्स बेरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी. बेरी डेवलिन और पॉल मर्फी ने ये जो डेटा वेयरहाउसिंग का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है 1980 में बाय IBM. IBM में जो दो रिसर्चर्स थे, बेरी डेवलिन और पॉल मर्फी, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया है. देर आर सर्टन स्टेप्स दैट आर टेकन टू क्रिएट अ डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप्स इज़ टू डेटा एक्सट्रैक्शन. डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में डेटा मल्टीपल सोर्सेज से गैदर्ड किया जाता है. आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कंपाइल्ड, इट गोज थ्रू द डेटा क्लीनिंग. जब कलेक्शन किया तो उसको कंपाइल किया जाएगा. कंपाइल करने के बाद में क्या होगा, उसको क्लीन किया जाएगा. द पर्पज़ ऑफ कंबाइन थ्रू द डेटा फॉर एरर्स एंड करेक्टिंग और एक्सक्लूडिंग एनी एरर्स फ्रॉम. क्योंकि जब भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, बहुत सारे अमाउंट में डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो उसको क्लीन किया जाएगा, उसको उसमें से जो बहुत सारे एरर्स है उसको कम कर दी जाएंगी. फिर द क्लीन अप द डेटा इज देन कन्वर्टेड फ्रॉम द डेटा बेसिस फॉर्मेट. फिर उसको जो क्लीन किया जो डेटा है उसको डेटा बेसिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा टू अ वेयरहाउस फॉर्मेट. और जो डेटाबेस, फिर बहुत सारा जो लार्ज अमाउंट में डेटाबेस बनेगा उसको वेयरहाउस में कन्वर्ट किया जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेटा वेयरहाउस से इसके? तो डेफिनेटली बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला तो है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेफिनेटली. कि अगर एक कंपनी का डेटा है तो वो कंपनी की जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा वेयरहाउस में डेटा होगा, जिससे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बना सकते हैं. फिर है इंटीग्रेटेड, बहुत सारा जो डेटा है वो इंटीग्रेट किया जाएगा. टाइम वेरिएंट, ऑपरेशनल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द करंट वैल्यूज एज दे सपोर्ट्स डे टू डे ऑपरेशंस. सो डेटा वेयरहाउसेस डेटा रिप्रेजेंटेड डेटा ओवर अ लॉन्ग टाइम होरिजोन, विच मीन्स इट स्टोर अ हिस्टोरिकल डेटा. इट इज़ मेनली मीन फॉर द डेटा माइनिंग एंड फॉरकास्टिंग, अ यूज़र टू सर्चिंग फॉर अ बाइंग पैटर्न्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर. इसका मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा जो है एखादी ऑर्गेनाइजेशन का, एखादे कंपनी का, वो स्टोर करके रखा है डेटा वेयरहाउस में. तो एज पर द नीड्स ऑफ यूजर्स, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा वेयरहाउसेस से एनालाइज करेगा, उससे डिसीजन ले सकता है. नॉन वोलेटाइल, ये उड़ने वाला डेटा नहीं, बहुत देर के लिए सिक्योर रहेगा. हु नीड डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा वेयरहाउसिंग की ज़रूरत किसको है? डिसीजन मेकर्स को है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एक कंपनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत डेटा ज़रूरी होता है. यूज़र्स हु यूज्ड कस्टमाइज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज. बहुत सारे डेटा सोर्सेज से जो डेटा लिया जाता है वो सब यूज़र्स को डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वो डेटा वेयरहाउस यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द पीपल हु वॉन्ट सिंपल टेक्नोलॉजी एक्सेस द डेटा. उनको भी डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा वेयरहाउसिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे लोग जिनको सिंपल टेक्नोलॉजी से डेटा एक्सेस करना पड़ता है. फिर होती है ऐसे यूज़र को डेटा वेयरहाउस की ज़रूरत, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, जो उस पर क्वेरी फायर कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं,
चार्ट्स बना सकते हैं। और डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कवर द हिडन पैटर्न्स ऑफ डेटा फ्लोज एंड ग्रुपिंग। और उनको भी है जो कुछ माइक्रो डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ हिडन पैटर्न्स बना सकते हैं डेटा वेयर हाउसेस में से, और फिर कंपनी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं या फिर वो स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट होते हैं। इन सब लोगों के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए डेटा की ज़रूरत है। अभी ये हो गया कि हु नीड डेटा वेयर हाउसिंग, अब देखेंगे कि नीड ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत ही क्या है। तो इंश्योर द कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली डेटा वेयर हाउसिंग आर प्रोग्राम टू द सप्लाई अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ कलेक्टेड डेटा विच मेक्स इजियर टू फॉर कॉरपोरेट डिसीजन मेकर्स टू एनालाइज एंड शेयर द डेटा इनसाइड्स वेयर द वेयर देयर कैटलॉग्स और कलीग्स अराउंड द ग्लोब। क्या होता है कि जब एखादी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उसमें अगर डेटा वेयर हाउस है तो जो कंपनी के सभी ब्रांचेस है या फिर कलीग्स है उस सबको वो डेटा शेयर करना पड़ता है। क्या क्या करने के लिए? डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी बनाने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, इनसाइड देयर कलीग्स अराउंड द ग्लोब, दुनिया में जितने भी उनके ब्रांचेस है, जो ऑफिसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको शेयर करना पड़ता है, जिससे वो डिसीजन मेकर्स पॉलिसी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उससे उनको पता चलेगा कि रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। दैट इज़ इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, इम्प्रूव द बॉटम लाइन। डेफिनेटली डेटा वेयर हाउसेज प्लेटफॉर्म्स अलाउ द बिजनेस लीडर्स टू क्विकली एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशंस हिस्टोरिकल एक्टिविटीज एंड इवेल्यूट द इनिशिएटिव दैट हैव बीन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन द पास्ट। डेटा वेयर हाउसेस में जो भी डेटा होता है उससे क्या होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है वो अलाउ करता है कि जो पास्ट में, भूतकाल में उनकी कंपनी का क्या जो ये था ग्राफ है वो रहा है, और वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटीज़, ये जो पैटर्न है, उससे वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी निश्चित कर सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, और जो बिजनेस डिसीजन है वो भी बना सकती है डेटा वेयर हाउस। सो दिस इज़ द डेटा वेयर हाउस, हु नीड डेटा वेयर हाउसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, और जो है नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस है वो, डेटा वेयर हाउस के एडवांटेजेस, और फिर देखेंगे डेटा माइनिंग।